बिहार की राजनीति और नई सरकार किस करवट बैठेगी, ये चर्चा का विषय आम जनता से लेकर के हर तबके में है। आपको बता दें कि मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि इस सरकार का स्वरूप क्या होगा और आगे का भविष्य क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ 17 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित और व्यवस्थित भी नहीं किया बिहार में। इन सारी चर्चाओं के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी चर्चा में तब आए जब उन्होंने बिना किसी शर्त के महागठबंधन की सरकार के साथ आने का फैसला कर लिया। वही जीतन राम मांझी जो एक महीना पहले तक ये बात कहा करते थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और ये सरकार 2025 तक चलेगी, लेकिन अचानक से जैसे ही नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि वो एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाएंगे तो जीतन राम मांझी भी उनके साथ आने वाले में सबसे पहले हाथ उठाने वालों में थे। अब जबकि ये बातें लगातार 2-3 दिनों से चल रही है कि जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं महागठबंधन में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी की टीम और जीतन राम मांझी लगातार महागठबंधन सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन इन सब के बाद जो 2024 की तैयारी शुरू हो रही है उसमें थोड़ा सा पीछे के आंकड़ों को आप देखें तो जीतन राम मांझी लगातार चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो इस कोशिश में लगे हुए थे कि नीतीश के साथ समझौता हो या ना हो, जीतन राम मांझी के साथ कुछ सीटों का समझौता भारतीय जनता पार्टी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन सब के बाद जब ये नई सरकार बनी तो 2024 के तैयारियों की चर्चा होने लगी। इसी चर्चा में एक चर्चा थी कि जीतन राम मांझी का क्या होगा और इस महागठबंधन का क्या होगा जिसे भानुमति का कुनबा कहा जा रहा था। कई दल के होने के कारण 2024 में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा, कैसे किसको मनाया जाएगा, कौन रूठेगा कौन मानेगा, क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं कि बिहार में ऐसा हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर के हंगामे के बीच गठबंधन तितर बितर भी हुए हैं। जीतन राम मांझी भी उसमें एक थे जो महागठबंधन से अलग हुए थे। अब बदली हुई परिस्थिति में जहां एक तरफ महागठबंधन के दो बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नई योजना और रणनीति बना रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, उसी के क्रम में कहा जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बिहार आगमन और बिहार आगमन होकर के आगे की रणनीति पर चर्चा होना, ये सारी बातें हो रही है। इन सब के चर्चा से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने अपने हनुमान को उत्तर प्रदेश भेज दिया और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करके इस देश में होने वाले 2024 के चुनाव और वर्तमान बिहार के जो महागठबंधन है उस पर चर्चा की। नीतीश और तेजस्वी को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी हर बार आगे निकल जाते हैं और यही कारण है कि गठबंधन जैसे ही नया बनता है, गठबंधन से बाहर होने की बात होती है तो सबसे पहले जीतन राम मांझी निकलते हैं। महागठबंधन से भी निकलने वालों में सबसे पहले वही थे, तो वहीं आपने देखा कि नीतीश कुमार के साथ जब उनका ट्यूनिंग बन रहा था, नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था और जैसे ही नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की बात सोचने लगे उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती कर ली थी। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही नीतीश कुमार पहुँचे 2017 में जीतन राम मांझी वो पहले शख्स थे जो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में वापसी किए थे। फिर जब ज़रूरत उनको महसूस हुई और वक्त के हिसाब से उन्होंने जो अपने फ़ायदे देखे उसमें उन्हें लगा कि महागठबंधन में रहना फ़ायदेमंद नहीं है तो उन्होंने तुरंत शिफ्ट कर लिया एनडीए की तरफ। इस बार महागठबंधन में वो हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा ये अभी कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है जो दिख रहा है वो साफ बता रहा है कि एकजुट होने का भले ही वादा कर रहे हो सभी लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और सही में ये बात अगर कहा जाए कि इतने दलों को कैसे समायोजित करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतेंगे ये निश्चित रूप से सवालों के घेरे में ज़रूर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो घटनाक्रम है और महागठबंधन के एक एक एक्टिविटी पर अपनी निगाह बनाए हुए है।
सुबह सवेरे में। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। तस्वीरें आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें देखें किस तरह से दानिश रिजवान अखिलेश यादव से मुलाकात करके आने वाले 2024 के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।